स्टूडेंट वेलकम टू नेट कैकर्स, मैं अनुराग शर्मा, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट आज हमारा थर्ड सेशन है और आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की। हमारे सिलेबस के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसी यूनिट है जो कि डील करता है बहुत डाइवर्सिटी के साथ। और अगर सही मायने में कोई इंटरनेशनल रिलेशन, स्पेशली अगर मैं बात करूँ UGC नेट के लिए पढ़ना चाहे तो 5 से 7 किताबें भी कम पड़ जाएंगी। इतनी डाइवर्स एरिया से चीज़ों को डाला गया है। बट यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि भले ही नंबर ऑफ बुक्स को मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ, बट सिलेबस जो है वो एक्सट्रीम में है। सबसे पहले आप थ्योरीज के साथ डील करते हैं, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी को आप समझते हैं, उसके बाद आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं, लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं कंटेम्प्रेरी इशूज़ क्या हैं हमारे, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें हैं। ग्रेजुएशन में आपने टॉपिक्स को पढ़ा था, मास्टर्स में आपने पढ़ा, और ग्रेजुएशन के अंदर ही आप लोगों ने कुछ और चीज़ें पढ़ी थी जिसमें हिस्टोरिकल पार्ट था, फॉर एग्जांपल कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर वन, और उनके क्या प्रभाव पड़े थ्रू आउट दी वर्ल्ड, क्या क्या चीज़ें बदल गई आफ्टर दैट, उनको हम लोग पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के PYQs की। अगेन फोकस 2019 में सिलेबस बदलने के बाद से लेके अब तक के जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका भले ही बदल गया है, बट इंटरनेशनल रिलेशंस में जो आपसे पूछा जाता है वो डिमांड ये करता है कि आपका जनरल नॉलेज प्लस सब्जेक्ट नॉलेज दोनों ही एक्यूरेट हो। यहाँ पे शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के साथ। यूनिट नंबर 6 है हमारे सिलेबस के अंदर ये। और कुछ बच्चे ओके, गुड इवनिंग आप सभी को जो जुड़ गए हैं। इसी के साथ आप में से जो भी बच्चे जून 2024 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो हमारी ऑफलाइन क्लासेस से दिल्ली में आके जुड़ सकते हैं। 1 जनवरी से मंडे 1 जनवरी से दिल्ली के अंदर हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसको आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, यू कैन ईजली अवेल आर पोस्टल मटीरियल विच इज अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज। तो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है इंटरनेशनल योगा डे, ये बेसिकली किस रेजोल्यूशन के द्वारा UNO जो है इसको लेके आए। अब आपको बता दूं कि UN की डेट्स जो होती हैं, UN से जुड़ी हुई जो डेट्स हैं, डेकेड्स जो हैं, ये भी अपने अंदर बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। मैंने इस एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहां ये सारी डेट्स, ये डेकेड्स को मैंने डिस्कस किया है वन बाय वन, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं होता कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं या पूछे जा रहे हैं। अगर आप पिछले 20 सालों में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देखेंगे जहाँ जनरल नॉलेज IR आता है, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो डेट्स हैं वो पूछी जाती हैं, इवन नॉट जस्ट इन सब्जेक्ट। अगर आप UGC नेट पेपर 1 भी दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपसे डेट्स कई बार आ जाती हैं। अब यहाँ हम डेट्स की बात करते हैं तो हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डेट्स की कोई इतनी खास इम्पोर्टेंस नहीं है, बट आपसे जब डेट्स पूछी जाती हैं तो ये वो डेट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक तरह से आप कह सकते हैं ये कहा गया है, बताया गया है। एंड मोस्टली डिसीज से रिलेटेड डेट्स जो हैं, जैसे 1 दिसंबर अभी गया है इंटरनेशनल एड्स डे, इस तरह से जो डिसीज से रिलेटेड डेट्स हैं, जो क्लाइमेट से है, जैसे 5 जून एनवायरनमेंट डे होता है हमारा, इस तरह से जो डेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए ज़्यादा। हाँ, नेशनल परस्पेक्टिव से भी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, बट पेपर 1 में उसके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पूछा गया है कि बेसिकली ये कब प्रोक्लेम किया गया, तो यहाँ पर जो उसका राइट आंसर है ये 2014 है। 2014 के अंदर इसको प्रोक्लेम किया गया बेसिकली, और 21 जून हर साल हम लोग इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सही जितिका झा जी आंसर कर रही हैं कि 2014, यस 2014 जो है राइट आंसर है। 21 जून जो है हर साल आप सेलिब्रेट करते हैं एज अ इंटरनेशनल योगा डे, और इसमें काफ़ी हद तक जो एक योगदान रहा वो रहा मौजूदा हमारे प्रधानमंत्री का, जो इंटरनेशनल योगा डे एक तरह से ये आया हमारे सामने। और आपको बता दूं कि योगा की इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है, नो डाउट पिछले कुछ समय से तो विवादों में है, बट स्वामी रामदेव जो रहे हैं उनका बहुत योगदान रहा है इसको बहुत बड़े तौर पर फैलाने में। पुराने हमारे जो
थिंकर्स थे स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो जी, इन सब ने तो उस समय योगा की बात की थी, बट आज की लाइफस्टाइल में योगा बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में यूएन ने इसको एक तरह से सेलिब्रेट करने के लिए, इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए काम किया। सेकंड क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। अब इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली एक तरह से वर्ड जो है एनवायरनमेंट से ही जुड़ जाता है। यहाँ पर भी अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहली बार इस वर्ड का इस्तेमाल किया था, और हम जब इसको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो हमारे इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल इकोलॉजिकल अप्रोच को हम लोग पढ़ते हैं, तो इन परिस्थितियों की बात हो रही है जो कि या तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में है या तो मौजूदा जो परिस्थिति है उनके संदर्भ में है। गुड इवनिंग जितने भी बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं, आकांक्षा सिंह पीजीटी, गुड इवनिंग मैम। ओके, बच्चों ने भी आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर आप में से कुछ स्टूडेंट ये पूछेंगे कि सर इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे आंसर करें। एक सवाल जो कई बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे कल पूछा था, स्पेशली जब हमने कल का लाइव सेशन खत्म किया था, उसके बाद ये क्वेश्चंस कई स्टूडेंट्स का आया कि सर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस जो आते हैं उसको आंसर कैसे किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आउट ऑफ द बॉक्स बेसिकली आई थिंक जितना मैं समझ पाता हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स वर्ड जब आप इस्तेमाल करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं है, अगर आप सिलेबस पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ से आपको कुछ नहीं पूछा जाता। आपके सिलेबस से अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि किसी एक एग्जाम में किसी एक यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, कई बार कंपेरेटिव से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, कई बार कंपेरेटिव से 7-8 क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली हम आउट ऑफ द बॉक्स की जब बात करते हैं तो हम उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में तो नहीं है बट उस पर्टिकुलर एरिया के सब्जेक्ट नॉलेज से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स, जीके, ये सब आपको ऐड करना पड़ेगा अगर आप आईआर पढ़ रहे हैं तो। Who has written the book Gender in International Relation? चार नाम आपके सामने हैं। अब ऐसे में नॉर्मली होता क्या है, एंड वट आई डिड ड्यूरिंग माई स्टडीज डेज, जब मैं कोई ऐसा क्वेश्चन देखता था, बेसिकली अगर आप देखें जेंडर इंटरनेशनल रिलेशंस, हजारों लाखों बुकें लिखी गई हैं, ठीक है, बुक्स लिखी गई हैं, और आप हर एक किताब का नाम आपको पता हो, हर एक किताब के बारे में आप, या थिंकर के बारे में या राइटर के बारे में आप जानते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े से चैलेंजिंग आपके लिए हो जाते हैं, एंड मोस्टली अगर आप कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कई बार रेफरेंस में बहुत सारी किताबों का नाम दिया जाता है। तो यहाँ एना टिंकनर जो है ये राइट आंसर है, सिंथिया नॉल, अरुंधति रॉय, हेनरी क्लिंटन, ये सही नहीं है। ऑल्दो अरुंधति रॉय का नाम आप लोगों ने सुना ही है, कॉन्ट्रोवर्शियल राइटर हैं, बहुत सारी किताबें लिखती हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप टिकनर की अगर बात करेंगे, ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन में मैं बात करूँ आपके एना टिकनर की, तो एना टिकनर ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन। उस किताब के अंदर ये बेसिकली टारगेट करके चल रही हैं वुमेन्स के रोल को, कि वो क्या है सोसाइटी में, उसको किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए, और इनकी राइटिंग जो है राइट्स को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर टारगेट करती है। अब फेमिनिस्ट थिंकर के तौर पर, इंटरनेशनल फेमिनिस्ट थिंकर के तौर पर इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशंस ऑन राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब अलग अलग कन्वेंशन अलग अलग टाइम पे आए, अब यहाँ पर जो इनके ऑर्डर्स हैं वो मेंटेन करने जरूरी होते हैं, ठीक है। एंड हम जब इन कन्वेंशंस की बात करेंगे, अब कन्वेंशंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इनकी डेट्स हैं कि कौन सा कन्वेंशन कब आया, कौन सा कन्वेंशन कब नहीं आया, तो वो ज़रूरी हो जाता है ऐसे में मैनेज करना कि डेट्स को हमें याद रखना चाहिए। बट आपको बता दूं कि जितने भी कन्वेंशंस आप यहाँ देख रहे हैं मोस्टली वो कन्वेंशंस हैं जो 1930 से लेकर आपको 1990 के बीच में दिखेंगे। 1966 की डेट है, 1969 की डेट है, 1978 की डेट है, ठीक है, इस तरह से दिखते हैं। और जो तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो होगा क्वेश्चन के अंदर बी को अगर हम देखें बेसिकली। अब यहाँ पर देखिए डी जो है हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, ये सबसे पहले हमारा,
ठीक है, इसके बाद हमारा ए जो है दैट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सिविल राइट पॉलिटिकल राइट, सी जो है हमारा द अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट, एंड जो बी है हमारा द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमन। ठीक है, अब कन्वेंशंस में भी ये इशू आएगा। अब नॉर्मली सी बात है कि अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कहीं हमें ये नहीं कहा गया कि कन्वेंशंस को याद रखा जाए, हमें यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ने के लिए कहा गया है। अब यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, चार्टर के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं और अलग अलग कन्वेंशन अलग अलग टाइम पे आए हैं, बट मोस्टली वो कन्वेंशन, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मोस्टली वो कन्वेंशन जो ह्यूमन राइट को लेकर आए हैं वो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहते हैं, क्योंकि इन्हीं कन्वेंशन से ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कन्वेंशन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हमारे यूनाइटेड किंगडम और ब्रेक्सिट का क्वेश्चन है। ये पूछा गया है बेसिकली कि कब वोट हुआ, ब्रेक्सिट क्या है, ब्रिटेन का एग्जिट करना यूरोपियन यूनियन से, अब ये क्यों हुआ, और उसकी एक बड़ी वजह ये मानी जाती है कि ब्रिटेन को लगता था कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो नीतियां हैं और उसकी जो पॉलिसीज हैं वो काफ़ी हद तक यूरोपियन यूनियन में रहने की वजह से चैलेंज हो रही हैं, तो इस वजह से अपने ऊपर से एक बर्डन हटाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम एग्जिट हो जाएंगे। ऑल द यूरोपियन यूनियन ने दुनिया की अब तक की सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, बट यूके ने डिसाइड किया कि हम इससे एग्जिट हो जाएंगे, और 2016 में इन्होंने डिसाइड किया और 2019 में इन्होंने एग्जिट कर लिया। ओके, बच्चों ने आंसर भी दिया है सी, सी इज द राइट आंसर। अब्बास वानी कह रहे हैं सी, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अरब स्प्रिंग्स बिगिन इन विच कंट्री, अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहाँ हुई। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने अरब स्प्रिंग वर्ड को कभी सुना नहीं होगा, बट मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अरब स्प्रिंग उस एक बेसिकली मूवमेंट के एक तरह से आप कह सकते हैं, जहाँ पर नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर, मिडिल ईस्ट के कुछ एरियाज के अंदर जो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट्स थी उनको हटाया गया और डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की गई, तो उसको बेसिकली अब अरब स्प्रिंग का नाम दिया जाता है। 2010 के आसपास ये बहुत बड़े तौर पर चला, उसमें टूनिशिया जो है इसका राइट आंसर है, टूनिशिया से इसकी शुरुआत हुई, फिर इजिप्ट और फिर बाकी जगहों पे धीरे धीरे ये फैलता चला गया। अब इस तरह के जो वर्ड है ना, जैसे अरब स्प्रिंग वगैरह, ये आपके लिए समझना ज़रूरी है, बिकॉज मुझे याद है कि एक बार किसी बच्चे के साथ में क्लास में टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा था, एंड आज के अरब स्प्रिंग क्या है, तो वन ऑफ दी स्टूडेंट इज लाइक के सर ये अरब कंट्रीज की कोई लीग है जिसमें वो साथ में मिलके यू नो एक तरह से एक कंबाइंड ऑर्डर में काम करते हैं, बट अरब स्प्रिंग एक्चुअली एक तरह से आप वेव के तौर पर इसको देख सकते हैं। अगला आता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगेन यहाँ पूछा गया है कि सही ऑर्डर बताइए। अब सही ऑर्डर किताबों का आपको अगर बताना है तो उसको आप किस तरह से लेके चलेंगे। अब यहाँ पर किताबों के जो बुक्स के जो नाम हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, उसमें रियलिज्म लिबरलिज्म पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली मैं देखता हूँ कि बच्चे जब रियलिज्म और लिबरलिज्म जैसी थ्योरीज को पढ़ते हैं तो वो इस बात पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि एक्चुअली थ्योरीज क्या है, बट यहाँ पर जब सब्जेक्ट की डिमांड की बात करूँ तो वो थ्योरी दी किसने, अभी क्या चल रहा है, राइटिंग्स कौन कौन सी हैं, इनके ऊपर फोकस होता है। तो यहाँ पर जकारिया की अगर मैं बात करूँ तो जकारिया की जो बुक है ये है फ्रॉम वेल्थ टू पुअर। केनाथ वॉल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इनकी बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मॉर्गेंथो की बात करें, हैंस मॉर्गेंथो, पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। मार्शमायर की अगर बात करें तो ट्रेजेडी ऑफ अ ग्रेट पॉलिटिक्स। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फर्स्ट का हो गया डी, और सेकंड का हो गया हमारा अगर मैं देखूं तो सी मॉर्गेंथो, थर्ड का हो गया बी, और मार्शमायर लास्ट जो फोर्थ है उनका ए। तो ओके, हाँ ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए जो है वो हमारा एकदम राइटली करेक्टली मैच हो रहा है, ए इज द राइट आंसर। अब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो दो कंफ्यूजन होती है बच्चों को। पहली कंफ्यूजन तो ये होती है कि कई बार पूछा गया है कि मैच करो यहाँ पर एग्जैक्टली,
आप रिलेट करने की कोशिश करते हो थिंकर की आइडियोलॉजी से उसकी राइटिंग का नाम। कई बार मैंने क्लास में देखा है कि बच्चे कहते हैं अच्छा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो ये तो केनाथ वॉल्ट्स की होगी। पावर लिखा हुआ है, अच्छा, ये तो मॉर्गेंथो की होगी, ठीक है। तो इसलिए इस तरह का रिलेशन हमें नहीं चाहिए। मोस्टली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर थिंकर की किताबों को पढ़ें, बट जब आप कोई भी थ्योरीज पढ़ें तो उसके जो रेफरेंसेस हैं अलग अलग थिंकर्स के, उसको आप ज़रूर से फोकस करिए। और किताबों का नाम जो है वो लिखना, वहाँ पर एड ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने अपना आंसर डिलीट भी करा है। देयर इज नो नीड टू डिलीट योर आंसर। अगर आपने कोई भी आंसर दिया है, सही गलत भी, तो सब ठीक है, ठीक है। हम होता है, हम लोग गलत होते हैं। यहाँ गलत आंसर चलेगा, एग्जाम में नहीं देना है हमें गलत आंसर, वहां हमें सही आंसर देना है। ओके, अगेन मैंने जैसा आपको कहा था कि आप ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ के आते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन से सही ढंग से मिल रहे हैं, क्या कब हुआ? कोल्ड वॉर बायपोलर थी, बिल्कुल थी जी, यूएसए और यूएसएसआर दो भागों में बट गया था। बर्लिन क्राइसिस 1955, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962, हाँ जी बिल्कुल, 1962 में लगभग 20 दिन के लिए अक्टूबर के मंथ में चला था। क्या था मैं आपको बता देता हूँ, ये सारा बता देता हूँ। कोल्ड वॉर बेसिकली 1945 में इसकी शुरुआत मानी जाती है और ख़त्म होती है 1991 में। एग्जैक्टली कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं था कि कोल्ड वॉर आज स्टार्ट हो गई, बट देर आर द नंबर ऑफ इवेंट्स जिन्होंने इसको एक तरह से स्पार्क किया। 1991 आते आते ये खत्म हो गई थी, यूएसएसआर टूट गया था। बर्लिन क्राइसिस बेसिकली ये था कि बर्लिन के अंदर एक वॉल बना के बर्लिन को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। तो यूएसएसआर के पास जो हिस्सा था वहां से वॉल बनाई गई थी। 1989 में इस वॉल को तोड़ दिया गया, जिसको बर्लिन वॉल बेसिकली बहुत फेमस है इतिहास में अगर आप देखें। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कैनेडी के टाइम पर ये हुआ था, 20 दिन के आसपास चला था, जहां क्यूबा में रशिया ने अपनी मिसाइल्स लगा दी थी टारगेटिंग दी यूएसए, और टर्की के अंदर यूएसए ने न्यूक्लियर मिसाइल्स को लगाया था, एंड वर्ल्ड वॉज ऑन द एज ऑफ न्यूक्लियर वॉर दैट टाइम। तो उसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है। मार्शल प्लान की अगर बात करूँ तो जापान, ये भी गलत है। मार्शल प्लान जॉर्ज मार्शल जो उस समय के चीफ एडवाइज़र हुआ करते थे, उनके नाम पर इसको लाया गया था, और ये 1948 के आसपास आया था, जिसका पर्पस जो था वो ये था कि जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाना। अब आप लोगों ने क्या आंसर दिया इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए कुछ बच्चे कह रहे हैं, कोल्ड वॉर 62, ओके ठीक है, 62 से 16 फॉल ऑफ बर्लिन वॉर, हाँ ठीक है ये भी। तो आंसर हमारा जो होगा वो होगा ए एंड सी, सी इज़ द राइट आंसर, ए एंड सी ओनली, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी इसको देख रहे हैं, ए एंड सी ओनली। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर गिविंग इन द यूएन चार्टर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पीस, पीस को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। अब ये समझने के लिए तो यूएन चार्टर पढ़ना पड़ेगा, और उतनी मेहनत हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि यूएन चार्टर तो बहुत बड़ी चीज़ है, इतना कौन पढ़ेगा। बट अगर आप यूनाइटेड नेशन की साइट पर जाएंगे तो वहाँ यूएन चार्टर के ऊपर एक पूरा का पूरा पेज दिया हुआ है, उसके अंदर पीस कीपिंग मिशंस को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। दीज थिंग्स आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। मैं ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में तो उसको डिस्कस करता ही हूँ, बट यूट्यूब पे भी मैं आपको बता दूँ कि वो चार्टर को एक बार आप ज़रूर गो थ्रू हो सकते हैं। पीस मेकिंग प्रोसीजर इज गिविंग इन चैप्टर 6 फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यस इट इज। अगला है चैप्टर 8 डील्स विद द पीस कीपिंग एक्टिविटीज, पीस एनफोर्समेंट Enforcement is giving in chapter 7 for coercive settlement of dispute. Chapter 9 deals with the economic cooperation among the state. तो इसका जो right answer होगा वो होगा that is first A and C. तो A and C only, that means B is the right answer. अब of course यहाँ पर normally अगर मैं कहूँ कि इस तरह का question exam में अगर आप आए तो आप एक मिनट में जवाब दे देंगे, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, यू नीड टू रीड इट, ठीक है। एक बार आपको चार्टर वाले पॉइंट्स के गो थ्रू होना पड़ेगा। अब ये वो चीज़ें हैं जिनको आप आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हो, बिकॉज जब यूनाइटेड नेशन को आपको पढ़ाया जाता है, कोई भी नॉर्मली आप यूनाइटेड नेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, इवन मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ कि कई बार कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं यूनाइटेड नेशन को, वो उसका स्ट्रक्चर वगैरह समझाते हैं,
और यू नो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझाते हैं एंड दैट टॉपिक एंड, और प्रैक्टिकली वो गलत भी नहीं है, वो ठीक पढ़ाया जा रहा है, बट जब क्वेश्चंस का लेवल यहाँ तक पहुँच चुका है तो हमें यहीं तक अब फोकस करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को ये जोड़ती है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी सिंपल से कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर रही है। जब स्पेशली हम यहाँ पर ऑप्शन देख के हम समझ गए हैं, इट इन्फ्लुएंस बाय द मार्क्सियन आइडिया ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, वन ऑन द बेसिस ऑफ द वेल्थ एक्युमुलेशन द वर्ल्ड इज डिवाइडेड बिटवीन कोर पैराफ्री एंड सेमी पैराफ्री कंट्रीज। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइक पेयर स्ट्रेटजी रूल्स एंड आउटकम्स, इट एनालाइज द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कॉम्पिटिशन कॉपरेशन अमंग दी स्टेट। अब वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ये कहती है कि दुनिया बेसिकली वेल्थ के बेसिस पे बात हो रही है। ठीक है, अब ये क्या बात है वो मैं आपको, डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दोनों हम लोग साथ में कई बार पढ़ते हैं समझते हैं। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के वो देश जो बहुत धनी है, अमेरिका एग्जाम्पल, वो कहलाएंगे कोर, जो बेसिकली लोन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, यूएसए। पैरिफ्री कंट्री वो देश जो लोन ले रहे हैं, गरीब हैं, पाकिस्तान। ठीक है, वो देश जो लोन ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, अभी की डेट में तो हम इंडिया का नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह सेमी पैरिफ्री, पैरिफ्री एंड कोर कंट्रीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो ए इज द राइट आंसर, दैट इज ए एंड बी ओनली। ठीक है, अब जब आप मार्क्सिज्म को पढ़ते हैं तो नॉर्मली हम मार्क्सिज्म के अंदर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को नहीं डिस्कस करते, बट जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी डिस्कस करते हैं तो वहां डिपेंडेंसी थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। अगली एक और क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज अगेन ऑन अ थ्योरी, गार्गी गुप्ता इंडिया, ये के बच्चे आंसर कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट रेजीम थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। रेजीम थ्योरी की अगर बात की जाए तो इस तरह की थ्योरी बेसिकली है जो उन सिस्टम्स को फोकस करती हैं जहाँ पे पावरफुल अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट्स के फॉर्म में चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं ट्रेड मोनोपोली है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, न्यूक्लियर पावर है, शक्तिशाली देश है। अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द रेजिम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इट इज एन अटेम्प्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फुल गवर्न बिहेवियर इन द अनार्किल इंटरनेशनल सिस्टम। ऑप्शन बी है, दे आर टू रिप्लेस कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम, मेजर पावर रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू हिज मैकेनिज्म, दे हैव बीन डिफाइंड प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स, रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। अब आप जैसा कि मैंने बताया क्या है रेजिम थ्योरी, कैन यू आंसर, क्या आप इसको पढ़ के आंसर कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर होगा राइट? एनीबडी? बास वानी जी बोल रहे हैं कि सेमी पेरिफेरीज आर दोज कंट्रीज विच आर डेवलप्ड एंड पेरिफ्री कंट्रीज आर अंडर डेवलप्ड। हाँ अब्बास, आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, बट जस्ट टू सिंप्लीफाई आई एम सेइंग दिस थिंग। ठीक है, ये कहना कि ये पेरिफ्री जो कंट्रीज हैं दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, जी नहीं सर, ये डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज की डेफिनेशन बेसिकली उस चीज से आती है जहां पर आप आर्थिक तौर पर, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली आप स्टेबल हैं, आपके पास एक वेल टू डू सोसाइटी है, आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है। एंड मोस्टली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर इंडिया की भी आप बात करो तो वी आर स्टिल अंडर डेवलप्ड कंट्री, वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्री। ओके, एनीबडी कैन आंसर, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। नो? ओके, तो आंसर इज डी, ए एंड बी ओनली। इट इज एन अटेम्प्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रूल गवर्न बिहेवियर इन द एनार्की इंटरनेशनल सिस्टम, दे आर टू रिप्लेस कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे रेजीम सिस्टम की बात अगर हम करें तो मिडल ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, अफ्रीका में एक टाइम पर ये चला था,
ठीक है, ऑल दो यूएन के एफर्ट्स इसी चीज पे रहते हैं कि धीरे धीरे जो मेजर रजीम्स हैं उनको टैकल किया जाए। अगला क्वेश्चन ये, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक, हाल फिलहाल में ही मैंने एक वीडियो को डाला था जिसमें मैंने वॉर टाइम ट्रीटीज को डिस्कस किया है, ठीक है, और वॉर टाइम ट्रीटीज के साथ ही जो ये कोल्ड वॉर के टाइम पे ट्रीटीज आई थी, डिटरेंस को लेकर जो ट्रीटीज आई थी, ये सारी ट्रीटीज आपके सामने हैं। सॉल्ट सॉल्ट टू स्टार्ट वन, INF ट्रीटी। अब इन सबको आप मैच करिए करेक्टली कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो हम इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्ट वन 1972, सॉल्ट टू 1979, स्टार्ट वन 1990 और INF ट्रीटी 1987। तो राइट आंसर इज ए। अब ये डेट्स कैसे याद रखी जाए ट्रीटीज की, मैंने जैसा कहा कि मैंने एक वीडियो को अपलोड किया है, आप उस वीडियो को देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा अभी उस वीडियो का, ठीक है, उसके ऊपर आप जाके इन सब ट्रीटीज की डेट लिख लीजिए। बहुत बार ये क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान में रखिएगा इसको। अब्बास वानी कह रहे हैं ओके राइट, अब्बास इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट रिलेटेड टू विच ऑफ द टाइप्स ऑफ वेपन, विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की अवधारणा निम्नलिखित में से किस प्रकार के हथियार से संबंधित है। अब ये डिटरेंस वर्ड जो है ये स्पेशली कोल्ड वॉर के टाइम के बाद तो बहुत फेमस हो गया, बहुत सारी अलग अलग फॉर्म में डिटरेंस की बात होने लगी। बेसिकली ऐसा तरीका जिससे युद्ध को रोका जा सके, और किस वेपन को लेके ये फोकस्ड है, तो ऑफकोर्स न्यूक्लियर वेपन को लेके फोकस्ड है। क्रेडिबल डिटरेंस की अगर बात की, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की अगर बात की जाए, तो जैसे कि इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की हम बात करते हैं, तो ये एक तरह से वही डिटरेंस प्रैक्टिसेस हैं कि वी हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब बट हमारा पर्पस सिर्फ खुद को सेव रखना है, आपको मारना नहीं, ठीक है, अनटिल अनलेस जब तक आप हमें टारगेट ना करो, जब तक हम आपको टारगेट नहीं करेंगे, हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब रखा रहेगा, आप अगर हमें टारगेट करते हो ओनली इन दैट कंडीशन वी यूज इट। ओके गार्गी जी सही आंसर आपने दिया, सी इज द राइट आंसर, यस न्यूक्लियर वेपन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक आर्म ऑफ द यूरोपियन यूनियन, विच इनमें से कौन सा एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक आर्म है यूरोपियन यूनियन का। तो इसमें यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन काउंसिल नहीं है, द काउंसिल भी नहीं है, द यूरोपियन पार्लियामेंट, नो द राइट आंसर इज यूरोपियन कमीशन, ठीक है, वे इसका राइट आंसर है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आप बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आर सिलेबस। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब आप यूरोपियन यूनियन को पढ़ते हैं तो वन बाय वन में आपको बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का स्टेब्लिशमेंट, जैसे यूरोटॉम की अगर मैं बात करूँ, यूरोपियन स्टार्टिंग में जो आया था कोल एंड स्टील ऑर्गेनाइजेशन जो थी, क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से भी पूछे जाते हैं, तो वो पढ़ना भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है, वन बाय वन उन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप यूरोपियन यूनियन की पूरी एक बार हिस्ट्री की गो थ्रू जरूर हुई है इन टॉपिक्स के। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, डी द यूरोपियन पार्लियामेंट, नहीं अब्बास द राइट आंसर इज द यूरोपियन कमीशन, आप एक बार रीचेक कीजिए इसको, ठीक है, द राइट आंसर इज यूरोपियन यूनियन कमीशन, सॉरी यूरोपियन कमीशन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स इंटरनेशनल क्राइमल कोर्ट, इनमें से कौन से आप कह सकते हैं विशेषताएं हैं। फर्स्ट है द रोम स्टेटस एस्टैब्लिश आईसीसी एज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट, आईसीसी कैन एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन ओनली व्हेन द नेशनल कोर्ट्स आर अनविलिंग और अनेबल टू इन्वेस्टिगेट द प्रोसीजर। इसके अलावा दो ऑप्शन और हैं, इट कैन नॉट प्रोसिक्यूट एक्ट ऑफ वॉर क्राइम्स, आईसीसी इज लोकेटेड इन द हेग, विच आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स, कैन एनीबडी आंसर। आईसीसी के बारे में पढ़ा हो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्या कोई मुझे बता सकता है। ये टॉपिक ऐसे हैं आईसीसी की अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, या कई बार इंटरपोल से क्वेश्चन आ जाते हैं,
तो बच्चों को लगता है कि दोनों एक ही हैं, इंटरपोल और आईसीसी एक ही हैं, ये भी अलग अलग दो एक तरह से संस्था हैं, ठीक है, इनका रोल क्या है। अब ऐसा नहीं है कि आपका झगड़ा हुआ, किसी के साथ मारपीट हो गई, आप सेशन कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, चलो सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हुआ तो फिर आईसीसी जाएंगे। किसी एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया था, मैंने पूछा था कि आईसीसी क्या करता है, तो ही सेड कि सर अगर मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है जो आपके देश का सबसे ऊपर वाला कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सुप्रीम कोर्ट सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो हम आईसीसी चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, दो देशों के बीच में डिस्प्यूट है कोई मेजर, उसको लेकर बेसिकली आईसीसी काम करता है। तो फर्स्ट टू जो हमारे ऑप्शन है, दीज आर दी करेक्ट, ए एंड बी ओनली। अब जब आप यूएन पढ़ते हैं, यूएन से जुड़ी संस्थाएं पढ़ते हैं, तो वहीं पर यूएन के ही जो हमारे 6 ऑर्गन हैं उसमें से एक ऑर्गन ये है, ऑल दो अब 5 ही रह गए हैं क्योंकि ट्रस्टशिप काउंसिल इज इनएक्टिव नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात कथन सत्य है। आईएमएफ इज नॉट क्रिएटेड बाय ब्रिटन वुड एग्रीमेंट, आईएमएफ ब्रिटन वुड समझौते के द्वारा नहीं बनाया गया, इट फंक्शन इज टू इंश्योर एक्सचेंज रेट ऑफ स्टेबिलिटी, क्रिटिक्स सीज आईएमएफ एज अ पॉलिटिकल आर्म ऑफ न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, द आईएमएफ इज नॉट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। तो आप इसमें से बताइए कि कौन सा कथन सही है, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं। नीचे कथन दिए गए, इसका कार्य विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करना है, आलोचक आईएमएफ को नव उदारवादी वैश्वीकरण की राजनीतिक शाखा के रूप में देखते हैं, आईएमएफ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी नहीं है। कैन एनीबडी गिव अ राइट आंसर? लता पटवाजी कह रहे हैं कि सी सी, ओके सी सी, एनीबडी एल्स? ट्रेवलर आरपीजी कह रहे हैं सर बी सी एंड बी ओनली, सी एंड बी ओनली, ओके एनीबडी एल्स? द राइट आंसर इज दिस, बी एंड सी ओनली। इट्स फंक्शन इज टू इंश्योर द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, क्रिटिक्स सी आईएमएफ एज अ पॉलिटिकल आर्म ऑफ न्यू ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली इसको लेकर कई बार सवाल उठते रहते हैं आए। अब आप आईएमएफ का पूरा रोल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आईएमएफ उन्हीं देशों को ज्यादा लोन देने का काम करता है जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं, अमेरिका के साथी हैं, दोस्त हैं। इस तरह के देशों की अगर कोई छोटा मोटा देश आईएमएफ के पास लोन लेने जाए, 50 चीजें लगा देते हैं उसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर करेक्ट, इट इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद ग्लोबल ट्रेड रूल्स बिटवीन नेशन, इट वॉज स्टैब्लिश इन 1996, इट्स हेडक्वार्टर्स इन जिनेवा, इट एम्प्लॉयज सम 680 स्टाफ। कौन सा कथन इसमें से आप कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट कौन सी दो सही स्टेटमेंट है, यहां पर आप बताइए मुझे आंसर दीजिए। तो अगर पहले कथन की बात की जाए, इट इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद दी ग्लोबल ट्रेड एंड रेगुलेशन, तो आपको बता दूं कि इससे पहले जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड सबसे पहले हमारे सामने आया था, जिसका काम था कि जब तक WTO को नहीं बनाया गया ये ट्रेड एंड टैरिफ को संभाले, तो द इज राइट। इसके बाद इट वॉज स्टैब्लिश इन 1996, नो, इट्स हेडक्वार्टर्स इन जिनेवा, यस दिस इज राइट। तो हमारा बी जो हो गया वो राइट हो गया, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ओके कुछ बच्चों ने आंसर दिए भी हैं, सी सी इज द राइट आंसर। अब यहां पर देख लीजिए, WTO भी आपके सिलेबस के अंदर शामिल है, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही वीडियो एक अपलोड करके रखी है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं, पॉइंट्स को नोट आप कर सकते हैं वन बाय वन। इसके अलावा अगर मुझे कॉमन डाउट दिखते हैं, क्योंकि अभी सेशन में के बाद अगर मुझे कॉमन डाउट्स दिखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा,
कि अगर कितने बच्चों को चाहिए कि इस पे वीडियो बने, अगर आप कहते हैं कि हाँ सर इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो बाय टुमारो और मैक्सिमम बाय डे आफ्टर टुमारो आई विल गिव यू द वीडियो विच इज़ इन डिटेल विद ऑल ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन अलॉन्ग विद विच आर रिलेटेड टू दी आर इंडियन फॉरन पॉलिसी. ऑलरेडी मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, बट आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया उसको, ठीक है, बट आप चैनल को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वीडियो बन जाएगी. बाकी अगर आप शॉर्ट में चाहते हैं कि सर शॉर्ट में एक ओवरव्यू दीजिए, तो मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा. बट जस्ट लेट मी नो कि आप में से कितने बच्चे एग्जैक्टली चाहते हैं. ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट रिगार्डिंग राइट टू डेवलपमेंट. द डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ डेवलपमेंट वॉज अडॉप्टेड बाई जनरल असेंबली इन 1986. दिस इज एन इनेजिबल ह्यूमन राइट. इट फाउंड नो प्लेस इन 1993 वियना डिक्लेरेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन. In 1990, the Commission on Human Rights established a working group of monitor its progress. विकास के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से दो सही हैं? आंसर कीजिए इसका. तो आई थिंक आप में से अगेन यूनाइटेड नेशंस को हमने इतना ज्यादा डीप में पढ़ा नहीं है. तो जो फर्स्ट है हमारा ए एंड बी, दीज आर दी राइट. विकास के अधिकार पर घोषणा को 1886 में महासभा द्वारा अपनाया गया था. यह एक अभिज्ञ मानव अधिकार है. ऑफ कोर्स राइट टू डेवलपमेंट होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए और सब इसको डिजर्व करते हैं. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. क्योटो प्रोटोकॉल एनवायरमेंट आपके कंटेम्प्ररी इश्यूज का हिस्सा है, तत्कालीन जो समस्या है उसका हिस्सा है. अब्बास, ओके अब्बास इज गिविंग ओके आंसर इसका करते हैं. क्योटो प्रोटोकॉल वॉज इन्फोर्स्ड इन, कब इन्फोर्स्ड हुआ? 1987 में, 1990 में, 2005 में, 2006 में. तो आपको थोड़ी सी इसमें बता देता हूँ मैं कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले आता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC 1992 में हमारे सामने आया. रियो दी जनेरियो अर्थ समिट हुआ था, ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉप की शुरुआत हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की शुरुआत हुई, और जहां पे डिसाइड किया गया कि हर साल मिलेंगे मेंबर कंट्रीज और डिस्कस करेंगे कि आगे का फ्रेमवर्क अगले साल तक क्या होने वाला है. एंड इसमें लगातार जब ये मिलते रहे तो 1997 में जापान के शहर क्योटो में, ध्यान से सुनिएगा, 1997 में जापान के शहर क्योटो में एक मीटिंग होती है और एक ये डिसाइड होता है कि एक प्रोटोकॉल को लाया गया है. एक्चुअली 1995 में डिसाइड हो गया था, 97 में क्योटो प्रोटोकॉल आ गया था. बट इनफोर्स कब आया, जो क्वेश्चन में पूछा गया है इनफोर्स, वो आया 2005 में. 2005 से लेके 2012 पहला पीरियड था, 2012 से 2020 दूसरा पीरियड था, और 2015 में पेरिस क्लाइमेट एक्शन प्लान आ गया था, जो बेसिकली एक तरह से थर्ड पीरियड के तौर पर देखा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल के. 2015 में उसको लाया गया था, जो 2020 में इसके खत्म होने के बाद शुरू हो गया. तो क्योटो प्रोटोकॉल से जब क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा 1997 में हुआ था क्योटो शहर जापान में, और 2005 से ये फोर्स में आया. तो राइट आंसर जो है हमारा वो सी रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा. लता पतवा जी ने ए आंसर दिया है. नहीं लता जी, ए आंसर नहीं है. ए टेक्निकली इस बात पर ठीक है आपके, 1997 में क्योटो में प्रोटोकॉल लाया गया था, बट फोर्स में आना जरूरी होता है. आप कभी भी किसी प्रोटोकॉल किसी कन्वेंशन की बात करेंगे तो ज्यादातर में दो डेट्स होती हैं, हुआ कब और फोर्स में कब आया, दैट्स इंपॉर्टेंट. अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंडिया ज्वाइन एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है. तो इसमें मैं ज्यादा टेक्निकली आपको नहीं घुसाऊंगा बिकॉज डेट है, तो वी कैन गो डायरेक्टली इन दैट. तो 1 जनवरी 2009 को इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट काउंसिल है इसका हिस्सा बन गया. सो दीज आर दी क्वेश्चंस व्हिच कम्स फ्रॉम दी प्रीवियस ईयर पेपर, स्पेशली फ्रॉम 2019 टू टिल डेट. अब यहाँ पर आप देखिए कि हमने यहाँ पर नोटिस किया कि इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन दीज आर दी करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड जी के जनरल नॉलेज क्वेश्चन. आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपका ये चीज़ कवर अप हो जाएगा. आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे होंगे
एंड एज पर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो अपनी मास्टर्स कर रहे हैं, तो चलो एक्सपीरियंस के लिए एक बार एग्जाम दे के देख लेते हैं, अभी तैयारी नहीं है। अगर आप उस कैटेगरी के बच्चों में आते हैं जो सिर्फ ऐसे ही एग्जाम देने जा रहे हैं अभी, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि आप अगली बार जब एग्जाम देने जाएं तो आप उसे क्वालिफाई करें। एंड टिल डेट आप अपनी डेली हैबिट में न्यूज़पेपर को जरूर डालिए एंड यू विल सी द रिजल्ट विद इन द वन मंथ। आप बहुत ज़्यादा अपडेट होंगे डे बाय डे की चीज़ों से। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप टीवी की न्यूज़ देखिए, आज के टाइम पे तो टीवी की न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट फालतू एंटरटेनमेंट, सारे दिन फालतू की चीज़ें चलती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ वॉर करा रहे होते हैं, ठीक है। यू गो विद द न्यूज़पेपर एंड न्यूज़पेपर स्पेशली हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, नबार्ड टाइम्स अगर हिंदी में आप पढ़ते हैं तो इनको आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ पे आप ज़्यादा फोकस करके चलिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड आई विश के आज के सेशन में आपने चीज़ें कवर अप करी हैं। रोज कितने बजे क्लास आ रही है, रहती है जी? 7 बजे रोज हम लोग मिल रहे हैं, 7:15 तक हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आप में से अभी जितने बच्चे जुड़े हैं, हम कल दोबारा से मिलते हैं, एग्जैक्ट 7:15 के बीच में ही टाइमिंग रहेगा सेशन का, ठीक है। नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा और जिस समय सेशन हो आप उस टाइम पे आइए और चीज़ों को कवरअप कीजिए। अब्बास वानी जी कह रहे हैं सर वीडियो अपलोड करना, डेफिनेटली अब्बास विल ट्राई कि हम कल कर दें, नहीं तो परसों तक आपको इस चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर डिटेल में मैं एक बार ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर लूँगा। जब तक आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम के लिए। धन्यवाद।